भक्ति प्रजदेवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बोले राम राम और गर्जोर कर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की बोले सचिनंदन गौर हरि की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद को किसी भक्त ने प्रश्न किया है कि जो कलयुग है ये कलयुग का धर्म क्या है, तब उसका उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम संकीर्त नहीं कलयुग धर्म। कहते कलयुग का जो धर्म है ये हरिनाम संकीर्त नहीं कलयुग का यही युग धर्म। क्योंकि सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, अब लोग पहले सुने, तृतीय युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चन करते थे, और कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्त नहीं कलयुग का युग धर्म है। इसलिए शास्त्र में बताए हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कहते ये नारदीय पुराण कलि संतरण उपनिषद में बताया, कलि संतरण मतलब होता है तैर करके। अगर ये कलयुग में ये भवसागर को कोई तैरते हुए पार करना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए, बोले हरि का नाम और हरि का नाम ही करनी चाहिए। इसलिए उसमें तीन तीन बार बताया, पहला लाइन में तीन बार, दूसरे लाइन में तीन बार। कहते जब किसी बात को हम तीन बार बोल देते हैं ना, कहते त्रिसत्य पक्का हो जाता है, हैं वो बात पक्की हो जाती है, इसलिए तीन बार। दूसरा कारण बताए हम कलयुग का जीव है, एक बार अगर कोई बोलेगा ना वो मानेगा नहीं, हैं इसलिए उनने तीन तीन बार बताए। नहीं कलयुग में हरि का नाम को छोड़ करके हमें ध्यान ज्ञान योग और किधर भी हमें नहीं जानी चाहिए, केवल भगवान का नाम को ही आश्रय करके हमें रहनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नामाश्रय करी जतन तुम्हें ताक आपन काजे। भगवान का नाम को आश्रय करते हुए जो कुछ करते हो करो, लेकिन भगवान का नाम को आश्रय करते हुए करो। हाथों में जो कुछ करते हो सेवा भाव करके करो, और मुंह में हरि का नाम लो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम। इसलिए यहाँ कहते हैं इस श्लोक रे प्रमाण शास्त्र आरो बलिया छेन कलियुगे युग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, अगर ये हरिनाम संकीर्तन को निरपराध मिले, हम तो कर रहे हैं हरिनाम करने से जीव को, महाप्रभु कहते हैं यह इते सर्वसिद्धि है विषवान, हरिनाम करने से सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्राप्ति, भगवत एवं प्रेम मिलेगा। अभी प्रश्न है पर हरिनाम करते हुए हमें प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, पर हमारे जीवन का दुख कष्ट क्यों नहीं जा रहा है, अरे कारण है बोले जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर रहे हैं। इसलिए जैसे किसी डॉक्टर के पास में गए, अगर हमारे कोई बीमारी हो अच्छा डॉक्टर हो वो बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन परहेज को साथ में अगर दवा लोगे जल्दी काम इसकी जल्दी असर करेगा।
अगर आप बगैर परहेज अगर लेगी फिर तो जिंदगी भर लेते रहोगे दवा, लेकिन काम रोग सही नहीं होगा है। इसलिए हमें परहेज को साथ में भगवान का नाम को लेनी चाहिए, गंदी चीज को त्याग देनी चाहिए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए है, बीड़ी सिगरेट अफीम भांग मदिरा सेवन नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए हमें। इसलिए ये सब चीज से दूर हो करके अगर हरिनाम करेंगे तो जल्दी जल्दी फलवती होगा। और शास्त्र में बताए 10 तरह का नामा अपराध है। हरिनाम करना तो पहले किसी संतों का वैष्णव का कभी निंदा मत करो, गुरु जी की आज्ञा को कभी अवहेलना मत करो, भगवान कृष्ण के साथ में किसी दूसरा देवादेवी को कभी भी बराबर नहीं माननी चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया एक कृष्ण नाम जत पाप हरे पापिर साधन आए तत पाप करे, एक कृष्ण नाम में इतने पाप को नष्ट करता है पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है एक कृष्ण नाम। कोई कोई कहते हैं अरे ये तो अति स्तुति कर दिया है, एक कृष्ण नाम से इतना हो जाएगा थोड़ी, बोले नहीं, अजामिल ने अपना बेटे को अपना कृष्ण अपना नारायण नाम से उच्चारण किया तो सारे पाप खत्म हो गया है। इसलिए भगवान का नाम को अति स्तुति नहीं माननी चाहिए। ये शरीर है कहते ये शरीर का प्रति मैं और मेरा भाव नहीं रखनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में ये सब नियम बताया गया, अगर इन नियम को पालन करते हुए अगर हम भगवान का नाम को लेते हैं फिर तो हमें क्या होगा, एक दिन हमें भगवत प्राप्ति जरूर होगी, भगवत दर्शन हमें जरूर होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं निरापराध नाम ले ले पाए प्रेम धन, अगर अपराध को छोड़ करके हरि नाम करेंगे तो हमें एक दिन जरूर प्रेम धन हमें प्राप्ति होगा ही। कहते श्री मत भागवत में बताए बोले कृते जत धायत विष्णु तृतीया जजत मखई द्वापरे परिचर जायाम कलो तद हरि करना कीर्तनाथ। इसलिए अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म था, लेकिन कलि युग में तद हरि कीर्तनाथ, केवल हरि नाम कीर्तन से ही जीव का कल्याण होगा। इसलिए श्री हरिर कीर्तन हले समस्त कार्य सुष्ठु रूप साधित है, सत्य युग ध्यान रे कथा वर्णित आछे कलि काले गिफिक्त मने ध्यान रे कथा पारिल पालित तो होते पारे ना, ऐ जन कलिते महाध्यान रे कथा वर्णित हया छे हरि नाम कीर्तन ही सही महाध्यान। यहाँ पर प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, जब भगवान की नाम कीर्तन करते हैं ना इसको द्वारा सब कुछ हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने बताया भगवान भक्ति का जो अंग है 64 तरह का है, 64 तरह का भक्ति अंग है। फिर उसको सारांश रूप में लिया 9 तरह का बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, उसको सार रूप में 9 भक्ति बताए। फिर उसको सार रूप में 5 भक्ति बताया है, मथुरावास श्री ठाकुर जी की श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए है। इसलिए फिर उसको फिर 5 रूप में सारांश रूप में लिया, फिर उसको सार रूप में लिया श्रवण कीर्तन और स्मरण, फिर एक सार रूप में लिया। अगर ये सब किसको द्वारा हो नहीं रहा है, केवल कलयुग में हरि का नाम कीर्तन अगर कोई कर लिया तो उसको सब फल मिल जाएगी, हरि नाम संकीर्तन से उसको सारे फल हरि नाम संकीर्तन से ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु बोले यह इते सर्वसिद्धि है वे सवार सर्वक्षण बोलो इते विधि नायार, हरि नाम को अगर जीवन में कोई सार कर लिया तो इसी सहित में भगवत प्राप्ति हो जाएगी है। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए हरि का नाम। इसलिए हमारे संप्रदाय में संतों को देखना हर समय माला रखते हैं, उठते बैठते सोते हर समय प्रभु का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं, दिन भर काम करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, ठाकुर जी के लिए माला बनाते हैं,
ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, अरे हम फिर क्यों कर रहे हैं फिर इतनी पूरा माला को लेकर दिन भर बैठो, फिर इसको क्यों कर रहे हैं? बोले इसका कारण है, अभी हमारी जो नाम है ना, ये साक्षात भगवान है, अभी इसको प्रति हमारी ऐसे बुद्धि है ही नहीं, ऐसे बुद्धि नहीं है, हैं? और हम बद्ध जीव होने का नाते पहले पहले जो संत लोग थे हमारे गोस्वामी लोग, उनको कुछ भी नहीं था, दिन भर माला लेकर के दिन भर प्रभु का माला जप करते थे। और माला जप करते करते एक दिन का हृदय पर साफ होने पर बैठ बैठ करके सारे लीलाओं को दर्शन करते थे, बैठ बैठ कर सारी लीला दर्शन करते थे, और उनने मानस के रूप में ठाकुर को सेवा करते थे। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, एक समय उनको हो गया बुखार, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी पकड़ करके बोले इसने ज्यादा खीर खा लिया है। बोले खीर, कभी जिंदगी में खीर देखा ही नहीं, घरा घना घरों जंगल में रहते हैं, दिन भर केवल एक दोड़ा में मट्ठा भर करके पी लेते थे और दिन भर कुछ नहीं, दिन भर भजन करते थे। बोले खीर कहाँ से मिलेगा उनको? बोले उनको पूछो, नाड़ी तो कह रहा है उसने खीर खाया है। उनको पूछा, भाई आपने खीर खाया? बोले हाँ खीर खाया। बोले कहाँ से मिला? बोले मैंने मन मन में आज मैंने बड़े सुंदर खीर बनवाई, बना करके कृष्ण को भोग लगाए, फिर वो प्रसाद राधा रानी पाई, फिर ललिता विशाखा, बाद में फिर वो खीर ना, मैं थोड़ी मन मन में थोड़ा ज्यादा खीर खा लिया, मन मन में खा लिया तो उनको शरीर में वो भाव प्रकट हो गया है। अगर हम ऐसे अगर भजन हमारी उन्नत अवस्था हो, वो संत लोग मन मन में ठाकुर का श्रृंगार करते हैं, मन मन में ठाकुर जी की पूजा करते हैं। कोई एक संत थे, उन्होंने सुना भगवान को मानस के रूप में भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, खिला सकते हो। बोले मानस के रूप में खिला सकते? बोले बढ़िया। वो गरीब ब्राह्मण था, अभी एक दिन उन्होंने मन मन में उन्हें रत्न सिंहासन बनाया, मन मन में लक्ष्मी नारायण को स्थापन किया, ठाकुर जी को बड़ी सुंदर रेशमी जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम हो, ठाकुर का श्रृंगार किया, ठाकुर का अभिषेक कराया गंगा पानी में, सोने की कलश में, बोला ठाकुर को खीर भोग लगाएंगे, ठाकुर जी के लिए खीर बनाए। नियम है ठाकुर को एकदम गर्मी गर्मी नहीं देनी चाहिए, पूरा उतार करके नहीं देनी चाहिए, जैसे हम भी नहीं खा सकते हैं, हम जैसे ठाकुर को वैसे देनी चाहिए। उनने सोचा अभी खीर गर्मी ना ठंडा थोड़ा परीक्षा करो, कुछ नहीं मन मन में, तो उनने अंगुल डाला ना, अंगुल खोखला पड़ गया, फिर उनका ध्यान टूट गया, एकदम ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान टूट गया, फिर रोने लग गए। बोले ठाकुर का आज मैंने भोग नहीं लगा पाया, मेरे अंगुल उसमें जल गया, मतलब अपवित्र हो गया खीर। वैकुंठ में नारायण बैठ बैठ करके हंस रहे हैं, लक्ष्मी बोली प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? बोले ऐसे भक्त ब्रज में, मेरे वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो मन मन में मेरे को खीर खिला रहे थे, और उनका हाथ खोखला पड़ गया तो रो रहे हैं, आज ठाकुर को मैंने सेवा, ऐसे भक्त मेरे प्रसन्न करा। भगवान गरुड़ को पीठ पर लक्ष्मी को लेकर के आए, बोले देख ये भक्त को, फिर भक्तों को लेकर वैकुंठ चले गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर ऐसे हमारी अभिष्टता हो भजन में, अगर ये हरि नाम है, अगर हम अभिष्ट होना ये हरि नाम में ही, पहले नाम फिर भगवान का रूप देखेगा, फिर गुण, फिर भगवान की सारी लीला ठाकुर के दर्शन होने लग जाएगी, ठाकुर की सारी लीला दर्शन करने लग जाओगे। हरि नाम करते करते सारे बैठ बैठ करके मानस के रूप में सेवा करते, बड़ी उन्नत अवस्था है, हैं? उन्नत अवस्था। लेकिन अभी हम बद्ध जीव है, हमारा मन बड़ा चंचल है, हरि नाम में लगता है नहीं, हरि नाम करते ही सारा दुनिया दिखता है। इसलिए हमारे लिए बोले देखो ठाकुर के लिए बड़ी सुंदर खीर बनाओ, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर का सुंदर सुंदर माला बना कर ठाकुर का श्रृंगार करो, ठाकुर को सजाओ धजाओ, ठाकुर का मंदिर साफ करो, धीरे धीरे सुकृति बनेगी, सुकृत बने के तो धीरे 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 भक्ति में फिर तुम बढ़ सकते हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की नाम संकीर्तन से ही सब काम प्रभु के नाम को द्वारा ही सुष्ट रूप में साधित होगा। इसलिए सत्ययुग में ध्यान की बात आता है, सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे, कलयुग में ध्यान कर ही नहीं सकते, क्यों? मन चंचल है, आंख बंद करो, कोई कोई ध्यान ध्यान खोलते ना, ध्यान सेंटर खोलते हैं ना, योगा सेंटर ध्यान करने के लिए। एक व्यक्ति गए थे, उनको कोई मथुरा में ध्यान ध्यान योगा सेंटर खोले थे, बहुत लोग आए थे,
तब तो हमारे मंदिर में आते तो मैंने, आपने क्या ध्यान किया? बोले हम क्या ध्यान करें, कुछ नहीं, आंख बंद करते अपना बेटा बेटी दुनियादारी संसार दुनिया यही चीज ध्यान कर रहे, क्योंकि हृदय में जो भरा हुआ वही तो ध्यान होगा। ध्यान क्या होगा, घर में गैया को खिलाया कि नहीं, घर में काम क्या हो रहा है, वही ध्यान कर रहा था, क्या ध्यान करेंगे। इसलिए कलयुग में ध्यान मना किया है, कलयुग में ध्यान कर ही नहीं सकते, मन इतने चंचल। द्वापर युग में स्वयं अर्जुन कह रहे हैं चंचल ही मन कृष्ण, हमारी मन बड़ा चंचल, भाई को रोक सकते मन को नहीं रोक सकते। जब द्वापर युग में अर्जुन कृष्ण का भक्त कह रहे हैं, पर कलयुग में क्या ध्यान करेंगे, इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं। फिर कलयुग में विक्षिप्त मने ध्यान कथा पालित तो होते पारे ना, हमारा मन बड़ा चंचल है इसलिए नहीं कर सकते हैं। कली काले यही जने कलिते महाध्यान कथा वर्णित तो हो आचे हरिनाम संकीर्तन ऐसे महाध्यान। कहते कलयुग में ध्यान नहीं, सबसे बड़ा ध्यान की बात बताए ये हरिनाम संकीर्तन। अब देखो अगर जोर जोर से कीर्तन हो ना, अब देखना मन कहीं नहीं जाता है, वो कीर्तन में मन डूब जाता है, तन में उसमें ही हो जाती है मन कीर्तन में। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा महाध्यान बताए हरि का नाम कर कीर्तन है, इसलिए हरि कीर्तन है सही महाध्यान। कृते युगे अर्थात सत्य युगे ध्यान कथा प्रचलित छिलो, किंतु ताते औदार्य विग्रह श्री गौरव सुंदर दर्शन होते ना, यही जने कलिकाले महाध्यान ध्यान दोष प्रवेश करे छिलो बोले तृतीय यज्ञ प्रवर्तित हो छिलो। इसलिए सत्य युग में तो ध्यान करते थे, लेकिन कलियुग में कौन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु महाप्रभु हैं, बड़े कृपालु बड़े दयालु, लेकिन वो ध्यान से महाप्रभु नहीं मिलते थे। लेकिन कलियुग में हरिनाम संकीर्तन करने से श्री सच्चिदानंद गौर हरि मिलेंगे, महाप्रभु मिलेंगे, जो ब्रह्मा शंकर उद्धव जी जिस प्रेम के लिए तरसते थे, उन्होंने हरिनाम को द्वारा वो दुर्लभ वस्तु जीव को प्रदान किया है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि उस समय ध्यान में दोष का प्रवेश किया है, इसलिए तृतीय युग में और ध्यान नहीं रखा। तृतीय युग में क्या करो, ध्यान नहीं कर सकते, यज्ञ करो, हैं यज्ञ करो। लेकिन तृतीय युग में जब यज्ञ रखा, पर देखा यज्ञ में भी दोष प्रवेश कर गया। बोले यज्ञ में क्या दोष प्रवेश किया, बोले यज्ञ करने के लिए पहले तो जो यज्ञ करता है वो व्यक्ति सही होनी चाहिए। अगर वो गुटखा खाने वाले हो, बीड़ी फूंकने शराब पीने वाले हो, और इधर यज्ञ करेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरी है नियम है संस्कृत सही सही उच्चारण होने चाहिए, हर्स्व दीर्घ प्लुत, ये तीन स्वर होता है, हैं ये तीन स्वर से यज्ञ के मंत्र को उच्चारण करनी चाहिए। इसलिए इंद्र शत्रोर विवर्धस्य, एक मंत्र गलती किसी तरह से हो गया, जहां उच्च स्वर में होना चाहिए थोड़ा नीचा हो गया, तो उल्टा फल हो गया, जिसको मारना चाहिए था वही बन गया बड़ा, और बड़ा उल्टा बन गया। इसलिए कलयुग में जो यज्ञ है ना, अगर ठीक ठीक से नहीं करेंगे उसका बड़ा गड़बड़ी फल है। इसे यज्ञ के लिए सही सही व्यक्ति सही सही, पर घी घी है ही नहीं कलयुग में, सबके सब चर्बी तेल से, सही घी 1 किलो है 2200 रुपया है, 2200 रुपया जो हमारे जो गौशाला में सही सही मिलता है, जो सही सही बनाते हैं। अभी आपको 500 रुपया 1000 रुपया में घी कहाँ से मिल रहा है, वो घी है ही नहीं, वो मिलावट है सबके सब, हैं वो मिलावट है। अपना घर में घी बनाओ, अब स्वयं देखना कितने दूध में कितना घी बनता है, आपको पता चल जाएगा कितने दूध में कितने घी बनती हैं। रोज रोज थोड़ी थोड़ी करते करते पता नहीं 1 किलो का बनेगा, है ना। फिर हवन सामग्री वो भी गड़बड़ी है। हम गए थे प्रचार करने के लिए हाथरस, हाथरस गए थे, हमने देखा पता है हवन सामग्री कैसे बनता है, जो लकड़ी को काटते हैं ना, जो बुरादा है लकड़ी का, उसी से जो गाड़ी का तेल बच जाता है, वो गाड़ी का बचा हुआ तेल को पीस पीस करके उसमें लगा लगा करके हवन सामग्री। अब बताओ जो इंद्र को देते हो, जो भगवान भगवान को भी स्वीकार करेंगे, उस चीज को करेंगे नहीं, अपवित्र है। फिर एक यज्ञ करने के लिए फिर कितने पैसा की चाहिए, कितना 1000 रुपया खर्चा, कहाँ से लोग लाएंगे कलयुग में इतना पैसा। इसलिए उन्होंने दोष प्रवेश किया है, इसलिए उन्होंने बोले भैया ये यज्ञ भी नहीं होगा। इसलिए द्वापर युग में और थोड़ा साधारण कर दिया, बोले ठाकुर का सेवा पूजा करो, अर्चन ठाकुर का अर्चन पूजा करो, हैं अर्चन पूजा करो।
लेकिन उसमें भी रोज पंचामृत के द्वारा स्नान कराओ, ठाकुर को दूध दही घी शक्कर लाओ, फिर अगुर कर्पूर चंदन, फिर जो षोडश उपचार में सेवा होता है ठाकुर जी को है प्रपर रूप में करो, फूल चंदन। फिर देखा भैया, फिर इतने, फिर उसमें भी दोष प्रवेश किया। बोले कलयुग में लोग इतना कर नहीं सकते, पहले एक व्यक्ति कमाता था पूरा परिवार खाता था, अभी भी पिता कमाता है, पत्नी भी कमाती है, बच्चे भी कमाते, तभी घर में कमी पड़ रहा है इसलिए इतना कहाँ से लाएंगे। बोले ज्यादा कोई परिश्रम परिश्रम मत करो, कुछ करने का जरूरत नहीं, बिना पैसा बिना परिश्रम का क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस बिना पैसा का, फ्री का। हाँ फ्री का है, कोई पैसा लगा, बल्कि कीर्तन में आनंद है। दूसरे दूसरे जो ध्यान यज्ञ पूजा में आनंद नहीं था, लेकिन इसमें आनंद, कीर्तन करो मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कीर्तन से। इसलिए बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, 2-4 10 मिनट कीर्तन कर लो, मन का सारे ग्लानि खत्म, वो आनंद में हृदय नाच उठता है कीर्तन से इतने। लेकिन हम कलयुग का जीव इतने दुर्भाग्य है, तभी हरिनाम नहीं करेगा, बिना पैसा का बिना परिश्रम का, तब भी हरिनाम नहीं करेगा, बैठ करके दुनियादारी इधर उधर का बात करने लग जाएगा, लेकिन ठाकुर का नाम में रुचि नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, एक जने कली चले महाजज्ञ संकीर्तन रे विधि, यज्ञ दोष अर्पित हुआ द्वापर अर्चन कली ते महार्चन विधि नाम संकीर्तन ही से महार्चन। कली युग में जो हरिनाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ा अर्चन, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा ध्यान भगवान के नाम कीर्तन, बस हरिनाम करो। इसलिए समस्त चिकित्सकार हताश होले, अंतिम काले जब अत्यंत मुमूर्षु रोगी के 20 बड़ी खाए ते दे, ताते खूब शक्ति आछे बोले, शरीर को कली काले जीवे चरम दुर्दशा देखे हरिनाम संकीर्तन व्यवस्था हो। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताए। अब देखना, अगर किसको बहुत शरीर में पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत असहनीय असहनीय, फिर उसको क्या करते हैं, लास्ट में उसको ऐसे गोली दे देते हैं जैसे वो सो जाए, हैं वो सो जाए। सो जाने पर क्या होता है, गोली खा करके, पर जो बहुत दर्द होता है पर उसको पता नहीं चलता है। इसलिए कहते उसी तरह कलयुग में सारे दोष, कलयुग में नाम ही कलयुग है, कलह कलह लड़ाई झगड़ा। सत्य युग में 4 चरण में धर्म रहता था, त्रेता में 3 चरण हो गया, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण दान, तब भी इसको कोई शुद्ध रूप में दान नहीं। इसलिए कलयुग में जीव का अवस्था इतने गड़बड़ी, फिर स्मार्टफोन, फिर इंटरनेट, टीवी पीवी आकर के सबका बुद्धि को इतने भ्रष्ट कर दिए। आप लोग तो सही, अभी का जो बच्चे लोग इतने गड़बड़ी रास्ता पर चल रहे हैं, आपको सब पता होगा, ये टीवी पीवी इंटरनेट इंटरनेट स्मार्टफोन इतने बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, इतने भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए बोले क्या करनी चाहिए, कलयुग में तो जीव का अवस्था बहुत खराब अवस्था है, क्या करनी चाहिए। इसलिए बोले सबसे बड़ा जो पावरफुल उन्होंने दबाव उन्होंने दिया है, सबसे पावरफुल दवा क्या है, भगवान का नाम। बोले इससे बड़ा पावरफुल और जगत में कुछ नहीं है, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से भी बढ़कर के उनकी नाम। बोले क्या करो ये हरि नाम, कहते हरि नाम कीर्तन में व्यवस्था होए छे, श्री नाम है सर्वशक्ति समर्पित होए छे, श्री नाम सकल शक्ति पूर्ण मात्र या छे। इसलिए कह रहे हैं जो नाम में ना भगवान ने क्या क्या सारे शक्ति उन्होंने नाम के अंदर में दे दिया, समस्त पूर्ण मात्रा है, समस्त शक्ति भगवान के नाम में ठाकुर जी दिया हुआ है। इसलिए हरि नाम कीर्तन ही महाध्यान, कलयुग में हरि नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा अर्चन है। साधारण मत कृष्ण ध्यान यज्ञ अर्चन साधारण मात्र, कृष्ण कीर्तन रूप महाध्यान महायज्ञ महाअर्चन तत्त विषय परिपूर्णता। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करते हैं, दूसरे दूसरे जीव का जो फल है ना हरिनाम में मिल जाएगा, और यज्ञ का भी फल मिल जाएगा, कीर्तन का भी फल मिल जाएगा, आपको ध्यान का भी फल मिल जाएगा, पूजा सेवा का फल किसमें, ये हरिनाम कीर्तन से आपको मिलेगा, नाम भजने महार्चन। इसलिए सुमेधा गण यही महाध्यान महायज्ञ अर्चन रूप नाम संकीर्तन करें, और कुमेधा गण अन्य पथ स्वीकार करें,
ताते तादरे मंगल है ना, ताते श्रीमद भागवत बलिया छेन। की बलिया छेन भागवत। इसलिए कहते कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे और जो बुद्धिमान मूर्ख लोग क्या करेंगे, इसलिए भागवत में बता दिया। इसलिए वहां पर बताए कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही स्मृत। जो एकादश स्कंध में जब नेमी महाराज पूछा कलयुग में भगवान कौन है और उनका भगवान की आराधना के सब बोलते हैं कलयुग में भगवान श्री सच्चिदानंदन गौर हरि कलयुग में भगवान। ये कब? ये सत्यजुग की बात है। कहते कलयुग में श्री महाप्रभु जगत में आएंगे, सर्वत्र हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। इसलिए कलयुग में जो मेधा व्यक्ति जो अत्यंत बुद्धिमान वो हरिनाम संकीर्तन को ही आश्रय करेंगे, और जो कुमेधागण जिसका बुद्धि कुमेधा है वो दूसरे दूसरे इधर उधर भटक गए, और जो सुमेधा व्यक्ति जो विद्वान है वो और इधर उधर नहीं भटकते हुए क्या करेंगे, हरि का नाम को ही आश्रय करेंगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, कलयुग में भगवान का नाम का आश्रय लेकर के उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसी से ही हमारी कल्याण है। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले हरि नाम संकीर्तन की, सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर गुरुपाद पद्म की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। जय श्री गुरु रंग।